Hey guys, welcome back to my channel. तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2024 में आई सीरीज राय सिंघानी वर्सेस राय सिंघानी। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम सीरीज का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। सीरीज स्टार्ट होती है जिया नाम की एक्ट्रेस से, जैसे पुलिस वाले कोर्ट लेकर आते हैं। एक्चुअली जिया ने अपने BF का मर्डर किया था, जो कि बहुत ही फेमस एक्टर था, इसलिए सब लोगों का ध्यान इसी केस पर था और सब लोग चाहते थे कि जिया को सजा हो जाए। तभी वहां पर जिया के लॉयर राजदीप राय सिंघानी आते हैं। एक्चुअली वो एक बहुत ही फेमस लॉयर थे और उनका एक लॉ फर्म भी था, जहां पर बहुत सारे लॉयर्स लॉ प्रैक्टिस किया करते थे। अब राजदीप जब कोर्ट में आते हैं और कोर्ट शुरू हो जाता है, तो राजदीप कहते हैं कि आज ये केस उनकी बेटी अनुष्का लड़ेगी। जिसके बाद अनुष्का आकर जिया से सवाल करने लगती है कि वो और सुमित कब से एक साथ थे। तो जिया बताती है कि वो और सुमित 5 साल से एक साथ थे। पहले तो सुमित काफी अच्छा था, लेकिन बाद में उसे ड्रग्स की आदत लग गई, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा बदलने लगा था। लेकिन जिया को लगता था कि उसका प्यार सुमित को बदल देगा। वो जब भी सुमित को ड्रग्स लेने से रोकती, वो उसे बहुत ज्यादा मारा पीटा करता था, और इस टॉर्चर से जिया बहुत ज्यादा तंग आ गई थी। लेकिन फिर भी उसे उम्मीद थी कि एक दिन सुमित बदल जाएगा। जिसके बाद सुमित का बर्थडे था, इसलिए जिया सुमित के लिए सरप्राइज प्लान करती है। सुमित भी ये सब देखकर काफी ज्यादा खुश था और वो दोनों ही बर्थडे सेलिब्रेट करने लगते हैं, जिसके बाद वो दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। लेकिन बीच में ही सुमित ड्रग्स लेने लगता है। जब जिया उसे रोकने की कोशिश करती है, तो सुमित उसके ऊपर हाथ उठाता है। वो जिया पर इतना गुस्सा हो गया था कि वो जिया को बिना कपड़ों के घर के बाहर निकालता है, जिससे जिया काफी ज्यादा डर गई थी और वो बस किसी तरह से खुद को ढकना चाहती थी। इसलिए वो एक रूम में जाती है और वहां पर एक कपड़ा लेकर खुद को ढकने लगती है। लेकिन तभी वहां पर सुमित आता है और उससे वो कपड़ा भी छीन लेता है, जिसके बाद सुमित उसके ब्रिस्ट के ऊपर वार करता है और उसे टॉर्चर करने लगता है। अब ये सब सुनने के बाद अनुष्का जिया से कोई भी सवाल नहीं पूछती, जिसके बाद जज उन्हें अगली डेट दे देता है। अब ये देखकर अनुष्का के पापा अनुष्का से नाराज हो जाते हैं, क्योंकि वो चाहते थे कि अनुष्का और ज्यादा जिया से सवाल करें। लेकिन अनुष्का कहती है कि वो जिया से और सवाल नहीं कर पाई, क्योंकि जिया काफी इमोशनल हो गई थी और अनुष्का नहीं चाहती थी कि वो उसे और हर्ट करे। साथ ही अगर अनुष्का उससे और सवाल पूछती, तो अपोजिट लॉयर भी उसे उसी तरह के सवाल पूछता, और इस बारे में हर तरफ खबर फैल जाती, इसलिए अनुष्का ने ज्यादा सवाल नहीं पूछे। अब ये सुनने के बाद अनुष्का के पापा उसे समझाते हैं कि वो इमोशनल होकर फैसले लेना बंद करे। यहाँ पर अनुष्का अपने पापा से रिक्वेस्ट करती है कि उसे अपने हिसाब से काम करने दिया जाए। एक्चुअली अनुष्का चाहती थी कि वो खुद कुछ करे, क्योंकि उसे अपने ऊपर नेपो किड का टैग नहीं लगाना था, इसलिए अनुष्का ने अपना घर भी छोड़ दिया था। लेकिन वो अपने पापा के ऑफिस में ही काम करती थी, क्योंकि उसके पापा चाहते थे कि वो उनके साथ ही रहे। साथ ही आज उनकी फर्म को 30 साल पूरे हो गए थे, इसलिए बहुत बड़ी पार्टी रखी थी, जहां पर विराट भी आता है। विराट को देखकर अनुष्का भी काफी खुश थी। यहां पर उनकी बातों से पता चलता है कि जब वो दोनों कॉलेज में थे, तब से वो रिलेशनशिप में थे, लेकिन विराट ने अनुष्का को चीट किया था, जिसके बाद अनुष्का ने उसे छोड़ दिया था। एक्चुअली विराट बहुत ही फ्लर्टी था और बहुत सारी लड़कियों के साथ उसका अफेयर चल रहा था, जिसकी वजह से अनुष्का अब उससे दूरी रहती थी। तो वही विराट आज भी अनुष्का के लिए फील करता है और चाहता है कि वापस सब पहले जैसा हो जाए, लेकिन अनुष्का उसे मना करती है। एक्चुअली विराट भी राय सिंघानिया फर्म में ही काम करता है और वो बहुत ही टैलेंटेड लॉयर था। जिसके बाद हम अंकिता नाम की लड़की को देखते हैं, जो एक कैफे में जॉब करती थी। एक्चुअली अंकिता एक लॉ कॉलेज की टॉपर है और वो भी लॉयर बनना चाहती थी, लेकिन उसने डिसाइड किया था कि वो राय सिंघानी की फर्म में ही इंटर्नशिप करेगी। लेकिन 3 बार अप्लाई करने के बाद भी उसका सिलेक्शन नहीं हुआ था, इसलिए अंकिता मीडिया वालों के साथ उस पार्टी में जाती है। वो मौका देखकर राजदीप सिंह के साथ बात करने लगती है। वो उन्हें बताती है कि वो एक कॉलेज टॉपर है, फिर भी उसका इंटर्नशिप के लिए सिलेक्शन नहीं हुआ। अब ये सब सुनने के बाद राजदीप उसे एक मौका देता है। वो अंकिता से कहता है कि कल 10 बजे वो उसके ऑफिस आ जाए। अब ये सुनने के बाद अंकिता की खुशी का ठिकाना नहीं था। अंकिता काफी खुश होती है और वहां से चली जाती है। जिसके बाद हम अनुष्का को देखते हैं, जिसे विराट जबरदस्ती अपने साथ डांस करने के लिए लेकर जाता है। विराट को अभी भी उम्मीद थी कि अनुष्का उसे हाँ कहेगी, लेकिन अनुष्का की तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं था। तो वही हम राजदीप को देखते हैं, जो अपनी माँ को समझा रहा था कि वो ज्यादा ड्रिंक ना करें। तभी राजदीप को अननोन नंबर से कॉल आता है और वो वहां से जाने लगता है। लेकिन राजदीप का ड्राइवर खाना खाने के लिए बाहर गया था, इसलिए राजदीप अनुष्का की कार लेकर वहां से जाने लगता है। लेकिन तभी राजदीप का एक ट्रक के साथ एक्सीडेंट होता है, जिसमें राजदीप को काफी ज्यादा चोट लगी थी।
इसलिए उसे हॉस्पिटल लेकर गए थे। जैसे ये बात अनुष्का को पता चलती है, वो भी तुरंत हॉस्पिटल आ जाती है। तो डॉक्टर बताते हैं कि राजदीप को काफी ज्यादा चोट लगी है, इसलिए उनकी सर्जरी करनी होगी। तभी वहाँ पर राजदीप की माँ आती है और अनुष्का को डांटने लगती है कि वो राजदीप को यहाँ से कहीं और शिफ्ट करे। एक्चुअली उनका कहना था कि हॉस्पिटल काफी छोटा है और यहाँ पर राजदीप की ट्रीटमेंट ठीक से नहीं होगी। लेकिन डॉक्टर कहते हैं कि राजदीप की कंडीशन काफी क्रिटिकल है, अभी उनकी सर्जरी नहीं करवा दी गई तो उनकी जान भी जा सकती है। इसलिए अनुष्का को फॉर्म पर साइन करना था ताकि डॉक्टर सर्जरी कर सके, जिसके बाद अनुष्का साइन कर देती है, जिससे दादी अनुष्का पर काफी गुस्सा हो गई थी। दादी अनुष्का को ताने मारने लगती है कि वो बचपन में अपनी माँ को खा गई और अब अपने पिता के साथ भी ऐसा ही करेगी। ये बात सुनकर अनुष्का काफी इमोशनल हो जाती है कि तभी वहाँ पर विराट आता है। विराट अनुष्का को संभालने की कोशिश करता है और उसे कहता है कि वो चिंता ना करे, वो सब कुछ मैनेज कर लेगा। लेकिन अनुष्का कहती है कि वो खुद ही सब कुछ मैनेज कर लेगी, बस विराट को उसकी हेल्प करनी होगी। अब ये बात विराट को इतनी अच्छी नहीं लगती, जिसके बाद अनुष्का विराट से कहती है कि वो ऑफिस में सबको ना बताए कि उसके पापा की कंडीशन इतनी सीरियस है। दूसरे दिन अनुष्का जब ऑफिस जाती है तो सब लोग यही डिस्कस कर रहे थे कि जब तक राजदीप वापस नहीं आता, इस फर्म को लीड कौन करेगा। अब यहाँ पर विराट का कहना था कि राजदीप सर ने पार्टी में अनाउंस किया था कि उनके बाद विराट ही इस फर्म को संभालेगा, लेकिन सभी लोगों का कहना था कि राजदीप ने बस ऐसा पार्टी में कहा था, लीगली कोई प्रोसीजर कंप्लीट नहीं हुई थी। तभी वहां पर जो सीनियर थे वो कहते हैं कि इस फर्म के लॉस के मुताबिक अनुष्का को इस फर्म को लीड करना होगा। अब ये बात सुनकर अनुष्का भी काफी ज्यादा शॉक थी, साथ ही विराट भी इस बात पर काफी गुस्सा हो गया था, क्योंकि उसका कहना था कि वो अनुष्का से काफी बेटर लॉयर है। लेकिन जब लीडर बनने की बात आई तो अनुष्का को चूज किया गया, यानी कि यहाँ पर नेपोटिज्म चल रहा था। अब ये बात सुनकर अनुष्का भी गुस्सा हो जाती है और वो विराट से कहती है कि वो भी बहुत ज्यादा काबिल है, जिसके बाद विराट उसे चैलेंज करता है कि वो जिया वाला केस जीत कर दिखाए, अगर अनुष्का वो केस जीत गई तो वो यहाँ की बॉस बन सकती है। तो वही अनुष्का कहती है कि अगर वो ये केस हार गई तो विराट यहाँ का बॉस बनेगा, जिसके बाद अनुष्का अपने केस की तैयारी में लग जाती है। तभी हम अंकिता को देखते हैं जो ऑफिस आ गई थी, लेकिन उसे पता चलता है कि राजदीप का एक्सीडेंट हो चुका है और उसकी कंडीशन काफी सीरियस है, जिसके बाद अनिता हॉस्पिटल जाती है, जहाँ पर उसकी मुलाकात अनुष्का के साथ होती है। वो अनुष्का को बताती है कि राजदीप सर उसे जॉब देने वाले थे, लेकिन अनुष्का उसे जॉब देने से मना करती है, जिसके बाद अनिता उसे बताने लगती है कि वो कॉलेज में टॉपर है और वो जिया के केस के बारे में उसे बताने लगती है कि किस तरह अनुष्का जिया का केस जीत सकती है। अब ये सब सुनकर अनुष्का काफी इम्प्रेस हो गई थी और वो अनिता से कहती है कि अगर वो जिया के केस के लिए कोई स्ट्रेटेजी लेकर आई तो उसकी जॉब कन्फर्म हो जाएगी, जिसके बाद अनिता और अनुष्का दोनों ही अपने काम पर लग जाते हैं। जिसके बाद कोर्ट केस शुरू होता है और अनुष्का जिया से सवाल करती है कि उसने सुमित को क्यों मारा, तो जिया बताती है कि बर्थडे वाले दिन जो सुमित ने उसके साथ किया था उससे वो काफी ज्यादा शॉक थी, सुमित ने उसे इतना टॉर्चर किया था कि वो खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। तभी सुमित जिया के ऊपर हंसने लगा और उसका मजाक उड़ाने लगा। अब ये सब सहन करते हुए जिया काफी तंग आ गई थी, सुमित ने उसे इतना ज्यादा टॉर्चर किया था कि वो उसे बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसने एक कांच के टुकड़े से सुमित की जान ले ली। लेकिन जब उसे इस बात का होश आया तो उसने अपने भाई को कॉल किया और उसके भाई ने पुलिस को। अब ये सब सुनने के बाद अनुष्का जज को बताती है कि किस तरह से जिया को टॉर्चर किया जा रहा था, यहाँ तक कि सुमित के कोई दोस्त भी उसके साथ नहीं थे क्योंकि सुमित ड्रग्स की हालत में किसी के साथ भी बदतमीजी करता था, लेकिन जिया ने फिर भी उसका साथ दिया। लेकिन सुमित बार बार उसे टॉर्चर करता रहा और इस तरह से उसने जिया को इतना उकसाया कि उसने एक दिन सुमित को खत्म कर दिया। अनुष्का जज को बाकी केसेस के बारे में भी बताती है जहाँ पर औरतें अपने पति के या घर वालों के टॉर्चर से काफी तंग आ गई थी और एक दिन उनकी बर्दाश्त की हद खत्म हो जाती है, जहाँ पर वो औरतें या तो खुद को खत्म कर लेती है या सामने वाले को। अब ये सब सुनने के बाद जज अपना फैसला सुनाता है कि जिया ने जो कुछ भी किया वो सेल्फ डिफेंस में किया, इसलिए उसे सजा नहीं होती और अनुष्का केस जीत जाती है। केस जीतने के बाद अनुष्का बहुत ज्यादा खुश थी क्योंकि अब वो उनके लॉ फर्म की बॉस बन गई थी। लेकिन जब वो ऑफिस जाती है तभी वहाँ पर विराट आता है और उसके साथ बाकी सीनियर लॉयर्स भी थे, जो कहते हैं कि वो रिजाइन करना चाहते हैं। और ये सुनकर अनुष्का काफी शॉक थी, वो समझ नहीं पा रही थी कि वो किस तरह से रिएक्ट करें, लेकिन वो उन्हें कुछ भी नहीं कहती और ये देखकर वो लोग भी काफी शॉक थे कि अनुष्का ने उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की।
लेकिन बाद में अनुष्का को पता चलता है कि वो लोग खन्ना की फर्म को ज्वाइन करने वाले थे, जिसके बाद अनुष्का खन्ना के बेटे से मिलने जाती है जो कि अनुष्का का बचपन का दोस्त था और वो उसे पसंद भी करता था। लेकिन अनुष्का विराट को पसंद करती थी जिसकी वजह से उसका दिल टूट गया था, इसलिए अनुष्का खन्ना से रिक्वेस्ट करती है कि उसे विराट की ज़रूरत है, इसलिए वो विराट को अपने फर्म में ना ले। लेकिन खन्ना कहता है कि विराट एक टैलेंटेड लॉयर है, इसलिए उसे वो चाहिए था, जिसकी वजह से अनुष्का उसके साथ डील नहीं कर पाती। तभी अनुष्का को पता चलता है कि उसके पापा कोमा में चले गए थे और ये सुनकर अनुष्का काफ़ी ज़्यादा शॉक थी। वहाँ पर अनुष्का के नानू भी आते हैं जो अनुष्का से कहते हैं कि उसके पापा का ध्यान रखने के लिए और भी बहुत सारे लोग हैं, इसलिए अनुष्का को अपने करियर पर फोकस करना चाहिए। तभी वहाँ पर उनके ऑफिस के सीनियर लॉयर्स भी आते हैं जो कि राजदीप को देखने आए थे, जिसके बाद अनुष्का उनके साथ बात करने जाती है और उनसे कहती है कि वो उन्हें छोड़कर ना जाए। अनुष्का कहती है कि उसे एम्प्लॉयज नहीं बल्कि पार्टनर चाहिए। वो उनसे कहती है कि वो अपने कुछ शेयर्स उनको दे देगी। अब यह सुनकर वो तीनों भी काफ़ी खुश थे और वापस ऑफिस ज्वाइन कर लेते हैं। जिसके बाद अनुष्का ऑफिस जाती है तो विराट वहाँ पर काफ़ी गुस्से में आता है। एक्चुअली विराट को खन्ना ने बता दिया था कि अनुष्का उसके पास आई थी और वो चाहती थी कि विराट को खन्ना के यहाँ जॉब ना मिले। इसी बात पर विराट अनुष्का से बहुत ज़्यादा गुस्सा था, तो अनुष्का उससे कहती है कि उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो चाहती थी कि सब कुछ पहले जैसा हो जाए। इसलिए वो विराट से कहती है कि हो सके तो वो इस फर्म को ना छोड़े, लेकिन विराट उसकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। जब विराट जाकर अपना सामान पैक करने लगता है तो उसे याद आता है कि किस तरह से वो अनुष्का के साथ इस फर्म में आया था, जिसके बाद उसका करियर बना और उसने जो कुछ भी किया था वो यहीं पर किया था। इसलिए विराट डिसाइड करता है कि वो खन्ना के पास नहीं जाएगा, लेकिन वो अनुष्का से कहता है कि राजदीप सर के जितने भी केसेस हैं उन्हें अब विराट लड़ेगा और अनुष्का भी इसके लिए मान जाती है। जिसके बाद वो लोग अपना काम फिर से शुरू करते हैं। ये सब जब अनीता देखती है तो वो काफ़ी ज़्यादा शॉक थी, क्योंकि उसे लगा नहीं था कि अनुष्का सबको रोक लेगी। तो वही अनुष्का काफ़ी टेंशन में थी क्योंकि उसे लग रहा था कि उसके पापा को किसी ने मारने की कोशिश की है, लेकिन पुलिस वालों का कहना था कि ये एक एक्सीडेंट है, लेकिन अनुष्का ये मानने के लिए तैयार नहीं थी। तभी अनुष्का को अपने सोर्सेज से पता चलता है कि आर्यमन नाम के क्रिकेटर पर उसकी गर्लफ्रेंड जबरदस्ती करने की केस डालने वाली थी, और ये सुनते ही अनुष्का आर्यमन से मिलने जाती है और चाहती है कि आर्यमन उसे एज ए लॉयर चूज करे। लेकिन तभी उसे पता चलता है कि विराट और आर्यमन दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, जिसके बाद विराट और अनुष्का दोनों ही ट्राई करने लगते हैं कि आर्यमन उनका क्लाइंट बन जाए। लेकिन तभी आर्यमन देखता है कि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड वहाँ पर आई थी, इसलिए वो विराट से कहता है कि वो उसके साथ बात नहीं करना चाहता, इसलिए वो विराट को उसके साथ बात करने के लिए भेजता है। अब विराट वहाँ जाकर उसकी गर्लफ्रेंड के साथ डांस करने लगता है, तो वही आर्यमन अनुष्का के साथ टाइम स्पेंड कर रहा था और ये देखकर विराट काफ़ी जलस फील कर रहा था। अब दूसरे दिन ही आर्यमन की गर्लफ्रेंड उसके ऊपर केस करती है कि आर्यमन ने उसके साथ जबरदस्ती की है, जिसके बाद पुलिस वाले आर्यमन को पकड़ लेते हैं और हर तरफ ये न्यूज़ फैल जाती है। तो वही विराट और अनुष्का लड़ रहे थे कि किसे आर्यमन का केस मिलेगा, लेकिन उनके सीनियर्स डिसाइड करते हैं कि आर्यमन जिसे भी चूज करेगा उसे वो केस मिलेगा। लेकिन आर्यमन कहता है कि वो चाहता है कि विराट और अनुष्का दोनों मिलकर इस केस पर काम करें। अब उन दोनों के पास ही कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, इसलिए उन्हें एक साथ काम करना पड़ता है। तो वही हम विराट को देखते हैं जिसका कहना था कि आर्यमन की गर्लफ्रेंड की ही गलती है, वो जानबूझकर उसके ऊपर ये केस कर रही थी ताकि उसे पैसे मिल जाए। लेकिन अनुष्का कहती है कि वो इस तरह से आर्यमन की गर्लफ्रेंड पर इल्ज़ाम नहीं लगा सकता, उन्हें कोई और तरीका ढूंढना होगा। लेकिन जब कोर्ट केस शुरू होता है तो विराट आर्यमन की गर्लफ्रेंड पर ही सारा ब्लेम डालने लगता है, जिसकी वजह से आर्यमन की बेल रिजेक्ट हो जाती है। और ये देखकर अनुष्का विराट पर गुस्सा होती है कि उसने उसकी बात नहीं मानी। जिसके बाद विराट अंकिता और अपने कलीग से कहता है कि वो आर्यमन की गर्लफ्रेंड के बारे में सब कुछ जान ले। जिसके बाद अंकिता आर्यमन की गर्लफ्रेंड के घर जाती है और किसी बहाने से उसके बेडरूम में चली जाती है, तो वो देखती है कि वहाँ पर आर्यमन के बहुत सारे फोटोज थे, साथ ही वहाँ पर उसके नोट्स भी थे जिनके अंकिता फोटो लेती है और वापस आकर विराट और अनुष्का को दिखाती है। ये सब देखने पर वो दोनों काफ़ी ज़्यादा खुश थे क्योंकि उन्हें केस के लिए कोई स्ट्रॉन्ग पॉइंट मिल गया था। जिसके बाद अनुष्का अंकिता से कहती है कि वो जाकर आर्यमन की फैमिली से बात करें, जिसके बाद अंकिता वैसा ही करती है और उनका इंटरव्यू लेती है, जहाँ पर आर्यमन के पापा बता रहे थे कि आर्यमन ने कितना स्ट्रगल किया है तब जाकर वो वहाँ पर पहुँचा है। आर्यमन ने जब अपने पापा को पहली कार गिफ्ट की थी तो वो बहुत ज़्यादा रोए थे। अब ये सब सुनने के बाद
पब्लिक आर्यमन को काफी ज्यादा सपोर्ट करने लगती है, जिसके बाद कोर्ट केस शुरू होता है और अनुष्का जज को बताती है कि किस तरह आर्यमन की गर्लफ्रेंड पहले से उसे पसंद करती थी, जिसके बाद वो आर्यमन को डेट करने लगी, लेकिन बाद में आर्यमन इस रिश्ते को खत्म करना चाहता था और ये बात उसकी गर्लफ्रेंड को पसंद नहीं आई, इसलिए उसने जानबूझकर आर्यमन के ऊपर केस किया। अब अनुष्का जज के सामने काफी सारे फोटोज भी दिखाती है जिसमें आर्यमन और उसकी गर्लफ्रेंड बहुत ज्यादा खुश थे। साथ ही अनुष्का जज को बताती है कि आर्यमन ने यहाँ पर पहुंचने के लिए काफी ज्यादा स्ट्रगल किया है, इसलिए वो चाहती है कि आर्यमन को बेल मिले। वैसे भी आर्यमन का पासपोर्ट पुलिस के पास ही था और जब तक उसका केस खत्म नहीं होता उसे पासपोर्ट नहीं मिलने वाला था। अब ये सब सुनने पर जज उसे बेल दे देता है और ये सुनकर अनुष्का और विराट काफी ज्यादा खुश थे, क्योंकि भले वो केस नहीं जीते थे लेकिन आर्यमन को बेल मिल गई थी, जिसकी वजह से सभी लोग बहुत ज्यादा खुश थे। दूसरे दिन जब अनुष्का ऑफिस आती है तो सभी लोग उसकी तारीफ करने लगते हैं और ये देखकर विराट काफी जेलस फील कर रहा था, लेकिन अनुष्का कहती है कि उसने ये सब अकेले नहीं किया, उसमें विराट ने उसका बहुत साथ दिया है, इसलिए उसे भी क्रेडिट मिलना चाहिए। और ये देखकर विराट भी काफी खुश हो जाता है, लेकिन तभी अनुष्का को पता चलता है कि विराट की एंगेजमेंट फिक्स हो चुकी है और ये सुनकर अनुष्का का दिल टूट जाता है। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। इस वीडियो में मैंने सीरीज के 10 एपिसोड्स एक्सप्लेन किए हैं, तो आगे के पार्ट में हम बाकी के एपिसोड्स का एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो अगर आपको इस सीरीज की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।